न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत नई गढ़ी में ठाकुर गोपाल शरण सिंह उत्कृष्ट विद्यालय में 76 ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं 25 जनपद सदस्यों और पंचों का अव्यवस्थाओं के बीच सरलीकरण का कार्य किया गया। इसके बाद विजयी उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। वहीं नईगढ़ी अंचल के दूर दराज गांवों से आई महिला जनप्रतिनिधियों का जमकर अपमान हुआ। ग्रामीण अंचल से आई महिला जनप्रतिनिधि जमीन पर बैठी रही और न ही महिलाओं के लिए एवं प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों के लिए पानी की कोई व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण ग्रामीण अंचलों से आए हुए प्रत्याशी और समर्थक बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। किस ग्राम पंचायत से सरपंच निर्वाचित हुए हैं? ग्राम पंचायत से जनपद नई गढ़ी। यहाँ आप सारणियन में आज प्रमाण पत्र लेने आए हैं जी। लेकिन बैठने की क्या व्यवस्था है? बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। आप लोग जमीन में बैठे हैं? जमीन में बैठे। गरी तक नसीब नहीं हुई जी, नहीं। इस विषय में आप सरपंच होने जा रहे हैं, जनता की सेवा करेंगे, इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं ये चाहूँगा शासन प्रशासन से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जो इस तरह से अव्यवस्था है तो व्यवस्था ना रहे। से आप आई हैं? बता हुआ पंचायत क्या है? सरपंच हैं कि नहीं? सरपंच हैं आप? बैठने की व्यवस्था है? यहाँ आप सारणियन में आज आपके चुनाव की घोषणा होगी, जनपद स्तरीय ब्लॉक ये है जहाँ नई गढ़ी स्कूल में आप आई हैं आज अपना प्रमाण पत्र लेने। लेकिन यहाँ तो आप जितने हैं सबको सब जमीन में बैठे हैं, कुर्सी तक आज नसीब नहीं हुई, क्या इस विषय में कहेंगी? होना चाहिए कुर्सी, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन मिला नहीं, एक बार दरी तक नहीं लगाई गई है। मैं आनमती विश्वकर्मा। अच्छा, कौन है पंचायत से सरपंच? मैं रहा से। यहाँ अपना प्रमाण पत्र ले आने दिक्कत है कुछ? बैठे के नहीं यार। हाँ, बैठे के नहीं, बैठने के लिए दरी तक की व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं। जमीन में आप सुबह से आई, सुबह से बैठी है? यहाँ जो कार्यालय है जहाँ से आपको व्यवस्था होनी चाहिए यहीं से आपको आज प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन यहाँ बैठने तक की व्यवस्था नहीं, ना तो पानी की व्यवस्था है। टैंकर धूप में दो खड़े हैं, जलता हुआ यानी तपा हुआ पानी आपको पीना पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। क्या विषय कहना होगा इसमें आपका? व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए। यदि प्रतिनिधि बने हैं और प्रतिनिधि के माध्यम से जनता के हित में कोई कार्य है वो होना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए।